नमस्कार दोस्तों, झारखंड लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं, साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी नेता जयाप्रदा गुरुवार को मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुई। इस दौरान उन्होंने चुनाव को लेकर भी बात की और बीजेपी के सामने अपनी इच्छा जताई। अब समाचार विस्तार से, न्यूज को पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। फिल्म अभिनेत्री और रामपुर से पूर्व सांसद जयाप्रदा अभद्र टिप्पणी मामले में गुरुवार को मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुई, जहां उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी मांग रख दी। जयाप्रदा ने कहा कि वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और कहीं से भी चुनाव लड़ सकती है। दरअसल जयाप्रदा गुरुवार को अभद्र टिप्पणी के मामले में मुरादाबाद कोर्ट में पेश हुई। वो पिछले काफी समय से गैरहाजिर चल रही थी, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दी थी। जयाप्रदा ने कोर्ट में हाजिर होकर अपने खिलाफ गैर जमानती वारंट रिकॉल कराए और कोर्ट को मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए बताया कि वो बीमार थी, इसीलिए कोर्ट नहीं आ पा रही थी। चुनाव लड़ने पर कही ये बात। अदालत से बाहर आने के बाद जयाप्रदा ने मीडिया से भी बात की। जब उनसे चुनाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मेरी इच्छा के अनुसार पार्टी हमारा नाम घोषित करे ऐसा तो नहीं है, लेकिन शीर्ष नेता तो समझते हैं कि मैं यहां से चुनाव लड़ने में सक्षम हूं, तो मुझे इशारा दे, मैं वहां चुनाव लड़ने को तैयार हूं। जयाप्रदा ने कहा कि मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ और उसी रूप में मैं सेविका के तौर पर भी काम करने को तैयार हूँ। पार्टी जहां पर मुझे लड़ाएगी, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। जयाप्रदा ने इस दौरान सपा सांसद एसटी हसन पर भी जोरदार हमला किया और कहा, मुझ पर की गई अभद्र टिप्पणी उनकी छोटी मानसिकता को दिखाती है। मैं देश की अन्य महिलाओं के सम्मान के लिए संघर्ष करती रहूंगी। दरअसल ये मामले साल 2019 का है, जब लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद मुरादाबाद के मुस्लिम डिग्री कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान सपा सांसद ने जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद आजम खान, उनके बेटे अब्दुल आजम समेत कई नेता मौजूद थे।